हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ वीना भाटिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी तो सारे अपने घरों में बनाते ही हैं, बट आज मैं बताऊंगी भिंडी की सब्जी को बहुत ही जल्दी जल्दी और आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया है। उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। मैंने लिए प्याज, हरी मिर्च और भिंडी। भिंडी 250 ग्राम ली है। ग्रीन चिल्ली मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें ऐड करूँगी चुटकी भर हींग, आधा टीस्पून जीरा। लो फ्लेम पे करेंगे ताकि जीरा जले ना, और हम इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भिंडी। भिंडी को ऐड करने के बाद मैं इसे हल्के हाथों से मिलाऊंगी। हमें इसे बिल्कुल ही हल्के हाथों से मिलाना है। अब मैं इसे थोड़ा सा पकने दूंगी। हमें भिंडी को बार बार मिलाना है ताकि ये जले ना। अब मैं भिंडी को टोस्ट करके मिलाऊंगी। टोस्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि भिंडी बहुत ही खिलखिली बनती है। आप चाहे तो स्पून की हेल्प से भी मिला सकते हैं। मैं स्पून और टोस्ट करके दोनों तरीके से मैं भिंडी को हिलाऊंगी। मैंने 5 to 6 ग्रीन चिली ली है। मैंने इन्हें लंबा लंबा काटा है। लंबा लंबा काटने का बेनिफिट ये होता है कि जिन्हें ग्रीन चिली सब्जी के अंदर अच्छी नहीं लगती और जिन्हें तीखा पसंद नहीं है, वो इसे इजीली निकाल सकते हैं और सब्जी को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसे दोबारा से टॉस करके मिला रही हूँ। ग्रीन चिली डालने के बाद मैं इसे 2-2 मिनट के बाद मिला रही ताकि ये बिल्कुल भी जले ना और अच्छी बने बहुत ज़्यादा। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 10 सेकंड तक ताकि अच्छे से पक जाए। 10 सेकंड से ज़्यादा हम इसे कवर करके नहीं रखेंगे क्योंकि भिंडी अपना मॉइस्चर छोड़ने लगेगी, जिससे भिंडी क्रिस्पी नहीं बनेगी। भिंडी काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को मैंने पतला पतला लंबा लंबा काटा था। 5 to 6 प्याज लिए थे 250 ग्राम भिंडी में। मीडियम साइज़ के प्याज थे ये। इसे मैंने अच्छे से पील करके वॉश कर लिया था और कट कर लिया था। इसे मैंने ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। प्याज को 2 मिनट तक हम पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने लिया आधा टीस्पून नमक। नमक को ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही चुटकी भर लाल मिर्च, हल्दी। लाल मिर्च मैंने बहुत ही कम डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्च ली है ज़्यादा, और काली मिर्च भी मैं इसमें ऐड करूँगी। हल्दी आधा टीस्पून मैंने इसमें डाली है। उसके बाद मैं डालूँगी सब्जी मसाला आधा टीस्पून। आधा टीस्पून सब्जी मसाला डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद मैं इसमें आधा टीस्पून आमचूर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेमन जूस या फिर आमचूर, आप इन दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भिंडी का, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें डाल दिया और सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। भिंडी काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है, लेकिन अब मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि अच्छे से पक जाए। अब इसे हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, जिससे भिंडी क्रिस्पी भी बन जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी। इसे 10 सेकंड तक ही मैं कवर करके रखूंगी, ज़्यादा नहीं रखूंगी। अब मैं इसे टॉस करके मिलाऊंगी अच्छे से। भिंडी पक चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी खिलखिली बनी है और अच्छी बनी है। अब मैं इसे फ्लेम को लो कर दूंगी और 2 मिनट तक और पकाऊंगी। अब मैं सर्विंग प्लेट में सर्व कर दूंगी। आप देख सकते हैं मेरी भिंडी बहुत ही ज़्यादा खिलखिली बनी है और बहुत ही ज़्यादा इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।